अच्छा देखो, मेरे हिसाब से ना एक क्रिकेटर को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप एक अच्छे प्लेयर हो और आप एक अच्छे प्लेयर थे। ये जो सफ़र है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा सफ़र होता है, और आपकी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा जेस्चर, एक ऐसी गलती आपको यहाँ से यहाँ ले आती है। मतलब अच्छे प्लेयर हो से अच्छे प्लेयर थे तक जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जो है ना अपनी ज़िंदगी हार चुके होंगे। देखो यार, फैंस जो होते हैं ना वो बड़े इमोशनल होते हैं, और उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने हर प्लेयर के साथ, क्योंकि क्रिकेट को हमारी यहाँ एक रिलीजन की तरह भी देखा जाता है। अगर इसमें मैं ये कहूँ तो कोई गलत बात नहीं है, और हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि यार वो एटलीस्ट कुछ चीज़ें ऐसी करें कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को खामोश कराएं, ना कि अपने जेस्चर से। अब मोहम्मद आमिर जो पिछले कुछ मैचेस में कर रहे हैं, और जो लोग एग्रेशन देख रहे हैं उनका ना, तो हर बंदा परेशान है कि भाई इसको हुआ क्या है। यार अगर वो बंदा सिर्फ ये सोचे ना कि आप अगर बैकग्राउंड पे जाएं उसके, तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आपकी हरकतों की वजह से आपकी इज्जत वापस ली, और फिर आप पे एक कोई मेहरबानी हुई है लोगों की जो है ना, वो क्या कहेंगे उसको, कि लोगों ने आपको दोबारा एक्सेप्ट किया और आपको वापस इज्जत मिली है। तो अगर ये बंदा सिर्फ ये सोच लेना कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या है क्या नहीं है, तो शायद उनको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। देखें, आप एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लोगों ने आपको सेकेंड चांस दिया, आपने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की थी जिसमें कोई शक नहीं है, और फिर भी आपको लोगों ने माफ़ किया। बहुत से प्लेयर्स को ये चीज़ नहीं मिली, लेकिन आपको मिली है, तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जब आप देखें, जब ग्राउंड में होते हैं ना, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि अगर आप इस तरह की गालियां या जेस्चर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, बच्चे भी देख रहे होते हैं, फैमिलीज़ देख रही होती हैं, और हमारे मुल्क में वैसे ही कोई फैमिली इवेंट्स वगैरह नहीं हो पा रहे होते लोगों के लिए। चंद चीज़ें ये खुशियाँ हैं छोटी छोटी सी, भाई हमें बेसिक खुशियाँ भी नहीं मिली हुई, उसके बावजूद हमारे मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लोग उसको इन्जॉय करना चाहते हैं सारी चीज़ें, और आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप अपने फैंस को लूज़ कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, PCB का ना एक बहुत अहम किरदार होना चाहिए इन मामलों में, कि वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करें। ग्रूम कैसे, कि जो भी 20-25 लोगों का जो रोस्टर है, यानी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे, देखें ये हीरे हैं, ठीक है ना, ये सुपरस्टार्स हैं हमारे, आप प्लीज़ कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाएं, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इनको ट्रेन करे, यानी कि इनको ग्रूम करे। कैसे, मीडिया ट्रेनिंग दे, कब आपने क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, अपनी क्लास को थोड़ा सा मेंटेन करना है। बाबर आजम है, बेचारे के ऊपर कितनी तनकीद की जा रही थी पिछले दिनों, ये वो, अब वो हमारा एक हीरा है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करके उसको एक जो प्रोफाइलिंग होती है ना, असल चीज़ देंगे। स्टार जो है ना वो परफॉर्मेंस से तो बनता है, लेकिन असल स्टार की जो एक पावर होती है ना, वो होती है कि वो अपने आप को कैरी कैसे कर रहा है। अब इसी तरह अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यार बड़े बड़े ब्रांड्स उनको जो है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, इंडोर्समेंट करवा रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि मीडिया पर कैसे होता है, और जब वो मीडिया पर आते हैं ना, तो उनकी क्लास दिख रही होती है, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि यार क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं, और क्रिकेटर्स को जो है ना उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उनको हम ट्रेन नहीं कर पा रहे होते। अब माशाल्लाह से वो देखें, एक लड़का जो है एहसानुल हक जो बॉलर है, यार मैंने उसका इंटरव्यू देखा जो पहला, जब उसने 5 विकेट्स ली थी, क्या स्वीट बंदा है यार, बेचारा इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है, और नेचुरली नहीं भी होगा, लेकिन क्या हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करके उसको हम सिखा नहीं सकते, उसको हम ग्रूम नहीं कर सकते? यार ये बंदा हमें कल को जाके पूरी दुनिया में वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और पाकिस्तान का एक नाम होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उसको जो है ना इंटरनेशनल पाकिस्तानी टीम में खेलते हुए देखेंगे, मेरी भी दुआएं। तो क्या हम अभी से ऐसे प्लेयर्स के ऊपर 15-20-25 लोगों पर मेहनत नहीं कर सकते? क्या हम उनको इस तरीके की चीज़ें नहीं बता सकते कि भाई आपने मीडिया में अपनी प्रेजेंस कैसे रखनी है? ठीक है, हम आए दिन देख रहे होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर जो है ना वो उल जरूर हरकतें कर रहे होते हैं, जिस पे हमें भी बड़ी शर्मिंदगी कभी कभी होती है कि यार ये देखो यार इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इतने हीरे हैं हमारे, और ये क्या करें? क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। क्या एक छोटा सा डिपार्टमेंट बन के जो है वो इनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। तो भाई तमाम क्रिकेटर्स को ये चाहिए कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई आप एक अच्छे प्लेयर हैं से आप एक अच्छे प्लेयर थे तक का सफ़र बहुत छोटा होता है। आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे जो है ना आपके फैंस जो है ना वो आपके मतलब अगेंस्ट हो जाएं, या आपको जो है ना वो लाइक भूल दें। मतलब देखें, आप कितने भी अच्छे प्लेयर होंगे, अगर आप एक इंसान अच्छे नहीं है ना, अगर आपके अंदर इखलाक नहीं है, तो दुनिया में आप कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकते। तो भाई ये छोटी सी 2-3 बातें थी मेरे उसमें दिल में, जो मैंने सोचा कि यार आप लोगों से शेयर करूँ। आई डोंट नो ये वहाँ तक वीडियो पहुँचे ना पहुँचे, बट चले एटलीस्ट उम्मीद पर दुनिया कायम है। और दूसरा ये कि यार PSL देखें, बहुत अच्छा इवेंट है हमारा, इसको सपोर्ट करें। हमारी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, और पाकिस्तानी क्रिकेट ही तो है हमारे पास, और क्या है यार। तो भाई ऑल द बेस्ट बाकी सारी टीम्स को, और जितने भी प्लेयर्स हैं ऑल द बेस्ट, आप अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू।